हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम कक्षा 12 अंक शास्त्र में बस छिल्ला सवाल सीखेंगे। आज अंतिम दिन है दोस्तों अंक शास्त्र का। इसके साथ हम तीन पार्ट की थ्योरी पूरी कर लेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। दोस्तों सब मिला के 9 पार्ट है, इसमें तीन पार्ट पूरे हो जाना मतलब 33% दोस्तों कोर्स आपके पूरा हो जाएगा। इसके साथ में कल से हम लोग दोस्तों इसके अंदर अपने अंग्रेजी विषय को चालू करेंगे, और इको भी है या फिर अकाउंट में से कोई और वीडियो भी आएगा, मतलब कल से वापस से दोस्तों अपना दो दो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों सामान्यतः 2 नंबर के सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, पर मात्र ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 नंबर के पूरी बुक में खाली 2 सवाल है। दोस्तों इस पाठ में 2 नंबर में सामान्यतः सवाल ना आकर थियरी बहुत आती है, इसलिए इसकी थियरी ज़रा ज़्यादा ध्यान से देखनी पड़ेगी। परंतु हम जब तक मिलते नहीं हैं रूबरू, तब तक हम इसके सवालों को ही लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार लिखा है, एक सामयिक श्रेणी में n = 8, σy = 344, σty = 1342, तो झुकाव रैखिक समीकरण ज्ञात करो। दोस्तों मेरे को आपको रैखिक समीकरण ज्ञात करना है। मेरे को आपको याद है रैखिक समीकरण ज्ञात करने का सूत्र न्यूनतम वर्ग की विधि है। न्यूनतम वर्ग की विधि का सूत्र याद कर लेता हूँ मैं, y = a + bt, मतलब पहले b निकालना है, फिर a निकालना है, फिर रेखा लिखनी है। चलिए तो मैं पहले यहाँ पर मुझे जो दिया है वो तो दिया ही है, देखा हुआ है मैंने, फिर भी एक बार यहाँ लिख देता हूँ, n = 8, σy = 344 और σty = दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 1342। बी का एक बार सूत्र याद कर लूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ b = क्या सूत्र था दोस्तों, n σty - σy / n σt² - σt² लेकिन लोचा पड़ रहा है यहाँ, देख लो n है, σty है, माइनस तो ठीक है चिन्ह, सिग्मा टी तो दिया नहीं है तो कैसे निकालूं। बिल्कुल दोस्तों सिग्मा टी नहीं दिया है, तो आपको खुद मन से सिग्मा टी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सिग्मा टी, तो आपको यहाँ ध्यान देना है, यही बस खाली सीखना है। सिग्मा टी के लिए n = 8 है, मतलब आप पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लिख लें। समझ पड़ी होगी मेरे दोस्तों को ये कैसे आया, n = 8 है, नहीं 8 है वो लोगों ने, तो टी तो 1 से चालू करते हो, तो 1 से लेकर 8 ले लो, इसका जोड़ कर दो, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 28, 36। आ गया दोस्तों सिग्मा टी, तो टी बार भी निकाल लूँ, t = σt/n, σt यानी दोस्तों 36/n यानी 8, 36 में 8 का भाग दे दिया दोस्तों 4.5 आ गया। अब मैं टी बार के बाद वाई बार निकालता हूँ, हमेशा आपको याद है σy / n, σy कितना दिया दोस्तों 344/n यानी कितने वो लोगों ने 8 भाग दे दिया दोस्तों मैंने 344/8 आ गया दोस्तों मेरा 43, वाई बार भी आ गया। चलिए तो सवाल की जरूरत के अनुसार पहले चल रहे थे, फिर से एक बार n आ गया, आ गया σty / σt यहाँ मैंने निकाल लिया दोस्तों 36, फिर चाहिए मुझे σy दिया हुआ है 344, n यानी अवलोकनों की संख्या 8 दी हुई है, σt² से σt² तो नहीं दिया है, और σt² नहीं दिया है तो ये जो t दिया है इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, आ जाएगा t² 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। जोड़ लें दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर है ही हमारे पास, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 आ गया दोस्तों 204। ये दो वस्तुएं निकालना ही मेन महत्व का है, σt² आ गया 204 माइनस σt² तो σt कितना है बेटा 36 है, 36 का वर्ग यहाँ कर देंगे 1296 आ जाएगा। चलिए n यानी अवलोकनों की संख्या 8, σty ये रहा 1342 माइनस σt यानी t का जोड़ ये रहा 36, σy यानी y का जोड़ ये रहा 344/ n यानी अवलोकनों की संख्या कितनी 8, σt² ये निकाला मैंने 204 माइनस σt² यानी 36 का वर्ग, तो 36 × 36 कर दिया, 36 × 36 × आगे बढ़ा 1296। चलिए गुणा कर ले रहा हूँ दोस्तों 8 और 1342 का, पहले गुणा किया मैंने 8 × 1342 आ गया दोस्तों 10336।
सॉरी 7,000 10,000 300 736 माइनस 36 गुणा 344 कर लिया दोस्तों 12,384 बट्टे 8 का गुणा किया दोस्तों 204 गुणे 8 गुणा कर लिया दोस्तों 1632 माइनस 1296 दोस्तों 10,736 में से घटाव किया दोस्तों मैंने कितने का घटाव किया बेटा 12,384 का टोटल आ गया माइनस 1648 बट्टे 1632 में से दोस्तों मैंने 1632 माइनस 1296 घटाया आ गया 336 क्योंकि ऊपर माइनस है तो माइनस में ही आएगा दोस्तों 1648 भाग्य 336 आ गया दोस्तों 4.91 क्योंकि पीछे वो है 4 है बी आया बी माइनस में आया कोई टेंशन नहीं है बी ऐसे क्या तकलीफ है बी के बाद निकाले ए ए का सूत्र है वाई बार माइनस बी टी बार वाई बार की वैल्यू दी है अपने को ये रही 43 अपने ने निकाली हुई है माइनस का माइनस बी का खुद का मूल्य माइनस में 4.90 टी बार की वैल्यू 4.5 43 का 43 भूलना नहीं बेटा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4.90 गुणे 4.5 जोड़ दिया गुणा कर दिया दोस्तों 22.05 दोनों को जोड़ दिया 65.05 ये दोस्तों ए और बी आ गया ए और बी से मेरा लिखता हूँ सूत्र इसलिए झुकाव रेखा है बेटा मेरे पास में वाई के बराबर ए प्लस बी टी वाई के बराबर ए की वैल्यू आई 65.05 यहाँ प्लस लिखने वाला था परंतु बी माइनस में इसलिए प्लस ना लिख के माइनस बी की जगह 4.90 और टी की जगह टी आ गई झुकाव रेखा क्या और कुछ ज्ञात करना है नहीं केवल समीकरण है समीकरण आ गया सवाल पूरा हो गया दोस्तों ये था हमारा उदाहरण नंबर 7 किताब का इसी तरह से स्वाध्याय 4 में सेक्शन डी का 10वां 2 ही सवाल है ये यहाँ लिखा है आपको रैखिक झुकाव रेखा का रैखिक समीकरण प्राप्त करो क्योंकि यहाँ लिखा है झुकाव रेखा का रैखिक समीकरण m दिया है सिग्मा y दिया है सिग्मा ty दिया है रैखिक समीकरण चाहिए तो मुझे केवल और केवल लगानी है सूत्र की रीति कौन सी बेटा अपनी पहले b निकालो फिर a निकालो b बराबर n सिग्मा ty माइनस सिग्मा t सिग्मा y अपॉन n सिग्मा t स्क्वायर माइनस सिग्मा t का होल स्क्वायर देख लो सब कुछ है n है सिग्मा टी वाई है सिग्मा टी नहीं है तो आप फिर से एक बार अभी सीखा था वैसा पहले टी निकालो कैसे एन बराबर 4 है तो टी का मूल्य 1, 2, 3 और 4 बस जोड़ लो इसको कितना हो गया 10 तो सिग्मा टी आ गया 10 टी निकाला टी बार भी निकाल डालो टी बार बराबर सिग्मा टी बट्टे एन तो दोस्तों सिग्मा टी कितना है बेटा अपना 10 बट्टे एन कितने अवलोकन है 4 दोस्तों भाग दे दिया बेटा मैंने इसके अंदर तो टी बार बराबर आ गया 2.5 टी बार निकाला तो वाई बार भी निकाल लेते वाई बार बराबर सिग्मा वाई बट्टे एन सिग्मा वाई है 270 बट्टे एन है अपने पास में 4 भाग दे दिया दोस्तों 270 में 4 का भाग दे देते हैं 270 भागे 4 67.5 आ गया और देख लो अब कुछ और तकलीफ हो तो पहले निकाल लो एन आ चुका है सिग्मा टी वाई तो आ गया सिग्मा टी आ गया बेटा 10 सिग्मा वाई ये भी आ चुका है 270 एन तो है ही है 4 सिग्मा टी स्क्वायर भी चाहिए तो सिग्मा टी स्क्वायर में टी स्क्वायर निकाल लो चलो ऐसा क्या ऐसा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16 जोड़ दिया इसको 25 और 5 30 सिग्मा टी स्क्वायर 30 आ गया माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो बड़ा 100 खाली मूल्य लिख देते हैं एन की जगह 4 सिग्मा टी वाई 734 माइनस सिग्मा टी का मतलब कितना है बेटा 10 सिग्मा वाई का जोड़ है 270 बट्टे एन यानी अवलोकनों की संख्या कितनी है 4 सिग्मा टी स्क्वायर ये रहा 30 माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 गुणा कर दिया दोस्तों 734 गुणे 4 कितना आया बेटा 2936 माइनस 10 का गुणा किया 2700 बट्टे गुणा कर दिया 120 माइनस 100 घटाव कर लिया बेटा 236 बट्टे 20 236 में 20 से भाग दे दिया 11.8 बी आ गया बेटा मेरा ए निकाल रहा हूँ ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार वाई बार की वैल्यू कितनी आई है बेटा 67.5 माइनस बी की वैल्यू 11.8 टी बार की वैल्यू कितनी है बेटा 2.5 67.5 माइनस
11.5 और सॉरी 11.8 गुणे 2.5 गुणा कर लिया दोस्तों, 29.5 आ गया, घटाव कर दिया 67.5 में से कितना किया बेटा, 29.5 का घटाव किया, कितना आ गया टोटल बेटा 38, ए आ गया बी आ गया, अंत में खाली लिखना है, इसलिए झुकाव रेखा, झुकाव रेखा का सूत्र है मेरा वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी। वाई कैप बराबर ए की वैल्यू 38 प्लस बी की वैल्यू 11.8 टी की जगह टी, बस समीकरण ही चाहिए, कोई मूल्य तो है नहीं दोस्तों, तो सवाल यहाँ पूरा हो गया। आज दोस्तों मैंने आपको दो सवाल कराए, एक सेक्शन डी का 10वां था बड़ा और एक उदाहरण नंबर 7 था, यही दो सवाल आपको वापस से होमवर्क में करने हैं और इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।